हेलो एवरीवन, आज वीकेंड है और हम लोग जा रहे हैं घूमने। कोई प्लान नहीं था कहीं भी जाने का, लेकिन अचानक ही प्लान बना और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन उसके पहले मैं जा रही हूँ अपने सिस्टर के यहाँ पे, उनका एक बेटा है तो मेरी बेटी को साथ में चाहिए था घूमने के लिए। तो अभी पहले हम उनके यहाँ पर जा रहे हैं और उसका नाम आयु है, तो आयु को हम लोग पहले पिक करेंगे और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। Because we are traveling with baby, so there's Ayu and Jibu and baby holder and baby bag. What is inside your bag, Ayu? Check bottle. Oh, wait a minute. Okay, bottle check. Napkin check. Wow, his laddu is also there. Okay, and what else? Oh, yummy dummy. And tissue. Oh dear, we forgot tissue. We have tissue. Look at my water. Okay, so where we are going? It's a mystery trip. Yeah, it's a mystery trip. We don't know. Okay. It's a secret trip. What are you thinking about, Jibu? Ice cream. Oh dear. Are you also thinking about the same? Almost the same. Getting bored, she wants Ayu be in back seat. So Ayu is going back seat. Me, see the stern. Okay. Yes, you can go. आ गए जगह पे मिसल खाने और बच्चे लोग रेडी हो रहे हैं। जल्दी उतरो भाई लोग, लेट्स गो। अपने अपने शूज पहने जो है। ओके गुड, लेट्स गो। सो अभी हमारा ऑर्डर आ गया है। इट्स लुकिंग वेरी स्पाइसी। आइडियली मुझे तो ये सब नहीं खाना चाहिए, फिर भी मुझे जम के भूख लगी और काफ़ी दिनों से मुझे मिसल खाने का मन कर रहा है। Thank you.
पिक्चर्स। आप चालू तो होने दो। इसके पहले भी मैं लोनावला आई थी आई गेस अगस्त मंथ में, बिकॉज जो रेनी सीजन होता है वो सबसे बेस्ट होता है लोनावला विजिट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ग्रीनरी होता है। अगर आपको फॉग देखना है तो वहाँ फॉग भी होता है, और जो छोटे छोटे झरने होते हैं वो भी वहाँ पे मिलते हैं देखने को। आपने सुना होगा मेरी बेटी बोल रही थी कि मुझे फॉग में खेलना है, नाइस सेड के अभी फॉग नहीं मिलेगा, तो उसको पुराना याद था, तो दैट्स व्हाई शी वाज टेलिंग कि मुझे फॉग में खेलना है। ये छुट्टी तो ये छोटे मोटे क्लिपिंग्स मेरे पास रखे हुए थे जब हम लोगों ने अगस्त में विजिट किया था लोनावला, तो ये मैं इसमें अटैच कर रही हूँ। बट दिस टाइम मैं नहीं बना पाई कोई भी वीडियो वहाँ पर, बिकॉज तीन तीन बच्चे थे साथ में। तो अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे हाथ में बेबी था और कैमरा हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। सो रास्ते में एक जगह फार्म पे हम लोग रुके क्योंकि मेरी बेटी को और आयो को फार्म देखना था, उनको तो अभी तक पता ही नहीं है कि खेत होते कैसे हैं। सो दे आर विजिटिंग फार्म और उनको काफ़ी मज़ा आया, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मेरे हाथ में आई सेड की बेबी था तो कीड़े वगैरह होंगे करके डर लगता है। सो मैं बाहर ही थी और इन लोगों ने काफ़ी मज़े किए यहाँ पे। सामने आप देख पा रहे होंगे कि सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि यहाँ पे आई गेस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं टोनिका ढाबा। तो भूख लगी थी, अभी दोपहर हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे फिर। Thank you.